हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जर्नी टू सक्सेस। आज हम लोग पोंजो इल्यूजन के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो आइए हम लोग पोंजो इल्यूजन के बारे में पढ़ते हैं। पोंजो इल्यूजन पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोगों को इल्यूजन का मतलब जान लेना जरूरी होता है। तो दोस्तों, इल्यूजन का मतलब होता है भ्रम होना, किसी भी चीज़ का भ्रम होना। मतलब वो चीज़ एक्चुअली में है नहीं, लेकिन हमें भ्रम होता है कि वैसा है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करते हैं सपने में। सपने में आप क्या देखते हो कि कभी मान लिया देख रहे हैं आपकी लड़ाई हुई सुबह स्कूल में किसी से, आए सपने में देख रहे हो कि उसको पीट रहे हो आप, लेकिन एक्चुअली में तो वो हो नहीं रहा है ना, लेकिन आपको भ्रम हो रहा है कि इल्यूज़न हो रहा है कि आप उसे पीट रहे हो। लेकिन जो पोंजो इल्यूज़न हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये हमारा अलग टाइप का इल्यूज़न है। ये हमारा ऑप्टिकल इल्यूज़न है। तो ऑप्टिकल इल्यूज़न क्या होता है, ये भी जानना जरूरी हो जाता है। तो ऑप्टिकल इल्यूज़न क्या होता है, एक मिसलीडिंग इमेज जो हमारे दृश्य को, हमारे आँख को प्रेजेंट की जाती है। मतलब एक सही इमेज नहीं होता, वो एक्चुअली में वैसा है नहीं, लेकिन हमें प्रतीत होता है कि वो ऐसा है, उसी को हम लोग ऑप्टिकल इल्यूज़न कहते हैं। ऑप्टिकल इल्यूज़न का आविष्कार, पोंजो इल्यूज़न का आविष्कार, जो कि एक ऑप्टिकल इल्यूज़न है, जो है हमारे मारियो पोंजो, एक साइकोलॉजिस्ट थे इटली के, उन्होंने 1930 में किया। उन्होंने क्या बताया कि जो ह्यूमन माइंड होता है, वो किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज को उसके बैकग्राउंड के बेस पे जज करता है कि उसका साइज कैसा है। और उन्होंने क्या किया, क्योंकि उनके दिमाग में ये सारी बातें कैसे आई, वो ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे, तो उन्होंने क्या देखा कि जैसे जैसे वो जब दूर के डिस्टेंस के ट्रैक को, रेलवे ट्रैक को देख रहे थे, तो वो इनको नैरो होता दिख रहा था जैसे जैसे वो आगे देख रहे थे, लेकिन जब वो उस प्लेस पर पहुंच जाते तो वो फिर बराबर इक्वल डिस्टेंस का हो जाता। तो उन्होंने इसके बारे में सोचा और फिर जवाब दिया कि जो ह्यूमन माइंड होता है, वो ऑब्जेक्ट के साइज को बैकग्राउंड के बेसिस पे बताता है कि मतलब वहाँ का बैकग्राउंड कैसा है। उस तरीके से उन्होंने क्या किया, इसके लिए कन्वर्जिंग लाइन्स ली। अब हम लोग आगे बताते हैं कन्वर्जिंग लाइन्स कहने का सेंस क्या है हमारा, कि आपको मैं बताता हूँ, कन्वर्जिंग लाइन्स हमारा कहने का सेंस ये है कि इस तरीके से उन्होंने वर्टिकल लाइन ड्रा किए, ठीक है। कन्वर्जिंग का मतलब जो नैरो होते हुए दिख रहा है, ठीक है। ये देखिए जो डायग्राम मैंने दिखाया है यहाँ पे, विकिपीडिया से ले लिया है मैंने, ये ऐसे नैरो होते हुए उन्होंने एक रेलवे ट्रैक की तरह डायग्राम बनाया जो कन्वर्ज होते होते दिख रहा था डिस्टेंस के बढ़ने के साथ साथ, ठीक है। और जो ये लाइंस हैं हमारी, ये लाइंस मतलब जो ये हॉरिजेंटल लाइंस दिख रही हैं आपको, ये हॉरिजेंटल लाइंस जो दिख रही है, ये क्या हो रही थी एक्चुअली में, तो ये इक्वल डिस्टेंस था, मतलब ये पैरेलल लाइंस थी। लेकिन जो इल्यूज़न हमें क्या होता है, इन्होंने रेलवे ट्रैक को दिमाग में लेके बात बताई कि एक्चुअली में क्या था कि ये जो रेलवे ट्रैक होता है, ये इक्वल डिस्टेंस पैरेलल लाइंस होती हैं, और जो ये जो बीच में हॉरिजेंटल लाइंस होते हैं, ये भी इक्वल होते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा, हमारा वो क्या होगा, हमें ऐसा दिखेगा कि वो, हम आगे देख रहे हैं यहीं से, एक पोजीशन से आगे के डिस्टेंस को देख रहे हैं, तो हमें क्या दिख रहा है कि ये जो वाली जो हॉरिजेंटल लाइन है आगे वाली, ये पीछे वाली हॉरिजेंटल लाइन से बड़ी है, लेकिन छोटी है। लेकिन ऐसा एक्चुअली में नहीं होता, सारे के सारे इक्वल होते हैं। देखिए ये लाइन शो कर रही है, एक रेड लाइन आ रही होगी, ब्लिंक कर रही होगी, ये देखिए। तो ये क्या, सारे लाइन देखिए, ये जो हॉरिजेंटल लाइन, ये नीचे वाली, फिर इसके ऊपर, ये सब बराबर है। लेकिन हमें ऐसा इल्यूजन हो रहा है, ऐसा भ्रम हो रहा है कि ये वाली लाइन जो हमारी है, ये वाली लाइन छोटी है इन कंपेरिजन टू लास्ट लाइन, या इन कंपेरिजन टू लाइन बिलो इट्स, ठीक है, उसके नीचे की लाइन्स हैं। तो इन्होंने यही फिर ये सब सोचा, उसके बाद बताया कि हमें जो एग्जैक्ट होता है, एग्जैक्ट साइज होता है, वो हमें नहीं दिखता। हम लोग जो है, हमारी ह्यूमन माइंड क्या करती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी बॉडी की साइज को ऐसा इंटरप्रिटेट करती है जैसा उसका सराउंडिंग्स होता है, ठीक है। इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है। धन्यवाद।